नमस्कार, मैं हूँ गीता अंजलि। आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों के साथ। गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र के गांव असालत नगर आईटीएस डेंटल कॉलेज के सामने 20 बीघा जमीन में भूमाफिया द्वारा अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है, जिसे आज जीडीए ने बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। जीडीए आर के सिंह ने कहा कि कहीं भी अवैध निर्माण नहीं करने दिया जाएगा, यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। नोएडा के निठारी केस में सब को छुपाने और हत्या करने के मामले में सुरेंद्र कोहली को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। मोनिंदर सिंह पंधेर को अनैतिक देह व्यापार के मामले में 5 वर्ष की कैद, 12 और मामलों में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा हो चुकी है। वकील साहब, आज निठारी में फैसला आया है, क्या फैसला आया है और कौन सा फैसला था? ये बड़ी पहल वाला मुकदमा था जिसमें नंदलाल जी वादी थे और इसी मुकदमे से पूरा ये निठारी कांड खुला था और इसमें आज अदालत ने सुरेंद्र कोहली की 364 में उम्र कैद, 376 में उम्र कैद, 302 में मृत्युदंड, 404 में 2 वर्ष की सज़ा और 201 में 7 साल की सज़ा सुनाई है और महेंद्र सिंह पंधेर को अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में 3 में 2 वर्ष की सज़ा और 5 में 7 साल की सज़ा सुनाई है। अब तक कितने मामले थे, टोटल कितने मामलों में सज़ा हो चुकी है सुरेंद्र कोहली को और पंधेर को? कुल 16 मामले दर्ज हुए थे सुरेंद्र कोहली के खिलाफ। महेंद्र सिंह पंधेर के खिलाफ केवल एक चार्जशीट आई थी इस वाले मुकदमे में, बड़ी पहल वाले में, पर न्यायालय में जो है 319 में फिर 5 मुकदमों में और तलब करेंगे। कुल मिला के महेंद्र सिंह पंधेर ने 6 मुकदमे पेश करे, सुरेंद्र कोहली ने 16 करे। महेंद्र सिंह पंधेर के 3 मुकदमों में एक्टल हो गया, 2 मुकदमों की अपील हाईकोर्ट में करनी है। अब कोहली की बात करें, कोहली के मामलों में अब तक 16 जो मुकदमे थे अब तक, उसमें क्या फैसला था? उसके 2 मुकदमे छूटे हैं, बाकी में सजा हुई है सर। मैं गाजियाबाद के मोदीनगर डॉक्टर के एन मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज मोदीनगर में सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह से संबंधित एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के एनसीसी कैंडिडेट्स एवं छात्रों ने प्रतिभाग लिया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सतीश चंद्र, टीपी सिंह, आर के सिंह, नीतू चौधरी, राहुल त्यागी आदि विशेष का योगदान रहा। आज के लिए खबरों में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।